गुड आफ्टरनून किड्स। आज हम पढ़ने वाले थ्री डिजिट नंबर्स, मतलब तीन अंकों की संख्याएं। जैसे कि क्या हो सकती है तीन अंक की संख्या? 100। सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तीन अंकों की? सबसे छोटी एक। वेरी गुड। कितनी? 100। 100। ठीक है, 100 होती है। और सबसे बड़ी क्या होती होगी? 100 तो सबसे छोटी है। 900। वेरी गुड, 999, 999। ठीक है, वो होती है सबसे बड़ी। अब देखो यहां पर मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। क्या नंबर लिखा हुआ है ये? 100। अब देखो यहां पर सार्थक अब हमको बताएगा कि हम हमारे पास कुछ चीजें हैं, उस चीजों को से हम क्या बनाएंगे, वो संख्या को बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कुछ 10-10 के हैं, कुछ 1-1 के हैं और कुछ 100-100 के हैं। तो 134 में कितने 100-100 के आने चाहिए? एक लगाओ, एक। उसमें थोड़ा सा पानी लगा लो। हो गया एक। अब दहाई पे क्या है हमारे पास? 10-10 के 3। ठीक है, लगाओ 10-10 के 3। और इकाई के चार। वेरी गुड। पानी लगा लो उसमें। बस छोड़ दो ऐसे लगा के। बस हो गया। ठीक हो गया ना? कितना हो गया, क्या संख्या हो गई ये? अब देखो, अब मैं इसमें कुछ और ऐड करूंगा और अब आप बताओगे अभी क्या संख्या बन जाएगी। ठीक है, अभी सार्थक आप बैठ जाओ। आप कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन सी संख्या बन गई है? एक सौ नो एक सौ ग्यारह एक सौ ये तो हो गए 100 ये हो गए ये कितने हो गए? वेरी गुड, 100। क्योंकि ये कितने हो गए? 10। और ये हो गए? और ये हो गए? तो इसका मतलब अगर हम इन सबको हटा दें, इन सबको हटा के हमारे पास कुछ और लगा सकते हैं वहां पे? क्या लगा सकते हैं? इन सब येलो को हम हटा देंगे और इसकी जगह पे हम ये जो हम जो कैरी लेते हैं ना, कैरी लेते हैं ना, हासिल, यही है वो हासिल। तो इस हासिल को हमने क्या कर दिया, इधर लगा दिया और इन सबको हटा दिया। अब हमारे पास क्या संख्या बन गई है? अब हम पे बन गई है 1 और ये हो गया 5 और ये हो गया 0। 150। ठीक है, क्लियर है?